नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 हिंदी विषय में हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ देख रहे थे। उनके जीवन की इस कहानी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ा गया है। हमने देखा था कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुरूप उदाहरण है। शास्त्री जी जो कुछ भी करते थे वही करते कहते थे वही करते थे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने जैसे ही महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य पर ही बने रहे। हमने देखा, यहाँ तक देखा था। आगे हमने देखा था कि शास्त्री जी पर बापू का बहुत प्रभाव था। सन 1921 में उन्होंने बापू से प्रभावित होकर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। 7 वर्ष उन्होंने जेल की यात्रा भी की थी। यह सब हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं, इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इसी अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित करवाया। अब उसके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उनके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इसी आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका का सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। जीवन का समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। फिर वह देश के लिए ही कार्य करते रहे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीति गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। एमना जीवन में एटलू बधुं राजनीति करूँ एटलू महत्वनुं थई गयुं तो कि श्रीमती इंदिरा गांधी पण एमने पोताना गुरु बनाया हता अने कह्युं हतुं के एमना ज मार्गदर्शनथी हूँ मारुं राजनीतिक जीवन शुरू करूँ छूं, बराबर एवी वात करे छे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद पर संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, बराबर। शास्त्री जी 1937 संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापन पैकाना सभा के लिए चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी की संसदीय जीवन शुरुआत हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी ने भी उनको अपना गुरु मनाया। हमारे देश की आज़ादी के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री तथा केंद्र सरकार भी ही भिन्न भिन्न पदों पर रहे। भिन्न भिन्न पदों पर रहे। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। पंडित नेहरू ने के निधन के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू जी मृत्यु पाम्या पछी एमने नेहरू जी की जगह एमने प्रधानमंत्री बनावा आव्या। आटला माटे आटलू ज, वधारे आगला वीडियो में आपणे जोईशुं। थैंक यू।